दुनिया वाले फैंस सब लोग शहनाज को संभाल ले, और गॉड को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि गॉड जिस तरह मेरा दिल टूटा था आपने मुझे संभाला, तो शहनाज को सिड के परिवार को आपकी सख्त ज़रूरत है गॉड, बी देयर विद देम। छोटों के लिए सबसे बड़ा राखी जी ऐसे सीधा, अरे तो वो लोग चलेंगे तब राखी जी मास्क थोड़ा चलेगा चलेगा कोई नहीं। मैम कितना मिस कर रहे हैं, पूरी लेसी मिस कर रहे हैं। अरे वो उधर कैसे जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉरी, सांस लेने नहीं और बोलने नहीं, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैं तो कल परसों दो दिन डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल क्या होगा, अगले दो घंटों में क्या होगा, कुछ नहीं पता। बस यही कि लोग जो जिम करते हैं, जिम में थोड़ा बरते ऑल्टरनेट डेज जिम करें, हैवी हैवी जिम मत मारो। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किए है कि नहीं, कि लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहती। मेरी गर्ल से ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, मेरे दो फ्रेंडों को भी ऐसे हुआ था लास्ट ईयर कि ऐसी ऐसी डाइटिंग करते हैं, अलग क्यों तो पता नहीं अलग अलग क्या डाइटिंग आई है। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है लेकिन बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है किटो ये सारी डाइटिंग करने से। किडनी पे बहुत ज़्यादा फर्क वो लोड पड़ता है दोस्तों, वेट साइज़ ज़ीरो तो चाहिए इंडस्ट्री में, हर जगह आजकल हर कोई खूबसूरत बहुत अच्छा दिखना चाहता है। मैं चार चार घंटे जिम में वर्कआउट करती हूँ बट मैं डाइटिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। सब कहते हैं मैं मोटी हूँ, चलेगा मुझे मोटी हूँ मैं चल जाएगा, लेकिन मैं अपने प्राण नहीं खो सकती हूँ। ज़्यादा डाइटिंग करने के चक्कर में, स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे दिखने के चक्कर में, फिर वो एसिडिटी आती है, एसिडिटी से हेडेक, हार्ट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी किडनी पे। तो सीड भी लास्ट कितने अच्छे दुबले हो गए थे, एकदम बहुत हैंडसम डूड लग रहे थे, एंड शहनाज भी बहुत खूबसूरत हो गए, एकदम स्लिम हो गए। मैं कह रही हूँ बस आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा डाइटिंग ना करें, ईश्वर ने अच्छा खाना बनाया, खाना खाएं और अच्छी एक्सरसाइज करें। और जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी डंबल्स ना मारे, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे जिम के लड़के भी यू नो उनको हार्ट अटैक आया हुआ है। दो चार वीडियो मैंने देखे थे, दो चार दिन पहले मेरे जिम में भी एक लड़का बेहोश हो गया था। गवर्नमेंट को जिम के लिए है ना, जिम में एक डॉक्टर रखना ही चाहिए। जिम में कुछ हो जाता है, बहुत हैवी वेट उठा लेते हैं ना तो हार्ट में पेन होने लगता है, बहुत सारे लड़के लोग बेहोश हो जाते, मैंने देखा है जिम में बहुत बार, मेरे जिम में भी एक लड़का बेहोश हो गया। सब कहते हैं तकदीर, तकदीर तो है ही है, मौत हमारे हाथ में है ही नहीं है, लेकिन हम अपने आप को संभाल ही सकते हैं। मैं तो दिन रात प्रे कर रही हूँ कि गॉड अगर मेरा आखिरी दिन है, मुझे तो खुद मैं सैड हूँ कि मैं आज हूँ कल नहीं, पता ही नहीं है, बहुत सैड है। और सीड के लिए तो शॉकिंग है, मुझे तो शहनाज की बहुत फिक्र हो रही है, उसकी ज़िंदगी में हंसी खुशी सिर्फ सिड था। दुनिया वाले फैंस सब लोग शहनाज को संभाल ले, और गॉड को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि गॉड जिस तरह मेरा दिल टूटा था आपने मुझे संभाला, तो शहनाज को सिड के परिवार को आपकी सख्त ज़रूरत है गॉड, बी देयर विद देम। आखिरी पल में छोटे भाई के साथ आशीन अली गोनी है,
अच्छा हाँ वो सब लोग तो थे, हम लोग सब लोग ही थे। मैं खुद वहाँ पे जाना चाह रही थी लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी, झगड़े हो रहे थे, एक फ्यूनरल में जाने के लिए इतने झगड़े हो रहे थे, और एक लड़की होते हुए मैं नहीं जा पाई इसलिए कि धक्कम धक्की बहुत ज़्यादा हो रही थी, पुलिस पब्लिक इतना धक्कम धक्की कर रही थी और एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं थी जाना वहाँ पे। ठीक है, आज स्टेटमेंट आया कि वो सीधे सेना जो थे वो दिसंबर में शादी करने वाले भी थे, ऐसा कुछ आया है? रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट इसने रिपोर्ट चलाई है। हाँ तकलीफ होती है जब एक जोड़ा टूटता है तो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर शहनाज को और उनकी मॉम को, उनकी सिस्टरों को शक्ति दे। मैं तो दो दिन से रो रही हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। यू नो यहाँ पे 100-150 साल लोग जी जाते हैं और जिनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, मुझे लगता है कि नज़र लग गई है। मैम आखिरी बार आप कब मिले थे सिद्धार्थ से, तो आपकी याद है? मैं मेरा तो सिद्धार्थ तो मेरा भाई है, मेरी तो बहुत यादें जुड़ी है, बहुत। मेरे तो हर वीडियो के लिए उन्होंने बाइट्स दी है, हम साथ में ही जिम करते थे 48 फिटनेस में। बहुत साथ में ही जिम हम करते थे, हाँ वो 48 फिटनेस में। हमेशा मैंने इतना डाउन टू अर्थ कोई एक्टर देखा नहीं, हमेशा आता था, हम लोग साथ में खाते थे, साथ में जिम करते थे, सोनू सूद, मैं, सिद्धार्थ। मैं सिद्धार्थ जैसे मैं सेंटा में हाईएस्ट फोटो से जीत के आई थी तो जब भी फ़ोन आते थे मुझे बालिका वधू के सेट से कि अरे हम लोगों को के पहुँचे नहीं हैं, मैं फ़ोन करती सिड कहाँ है, तो सिड हमेशा कहता था कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई बट मैं पहुँचने वाला हूँ राखी। ही वॉज़ अ वेरी नाइस गाय और वेरी हम्बल, वेरी नाइस। कभी किसी को ऊंची आवाज़ से बात नहीं की होगी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। इतनी अच्छी माँ का इतना अच्छा बेटा था, अब उनके मम्मी मुझे वो दिन याद आ रहे हैं मेरे जिम के, हम साथ में वर्कआउट करते थे। मैंने दुनिया से कहा था कि सीड को वोट करो जब वो बिग बॉस में गए थे और वो जीत गया तो बहुत खुशी हुई थी। आई इज अ रियल विनर, सिर्फ बिग बॉस में नहीं, उन्हें उस सीड ने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी किसी का दिल दुखाया होगा। आई रिमेम्बर हिम, आई रिमेम्बर हिम। दो दिन तो मैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे मेरी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना था लेकिन मैं नहीं लेकर गई। मतलब इतना दर्द ले जो बता नहीं सकते, आखिरी बार कब मिले थे आप? अभी लॉकडाउन के बाद? मैं लॉकडाउन के बाद नहीं मिली थी, मैं बिग बॉस में ही मिली थी जब वो हमारे सीजन में आए। मेरे तो हम एक दूसरे को तो 15-20 साल से जानते, मैं आखिरी बार नहीं मिली थी। पता नहीं था ना, किसको क्या मालूम था, सबका बिजी शेड्यूल रहता है ना। मैं भी, मेरा भी शेड्यूल बिजी था ना। आखिरी बार मुझे मिलने नहीं मिला, वही सिर्फ वो जो यादें, याद आती है, सिर्फ यादें ही और कुछ नहीं है। सॉरी। अरे जाने दो, जाने दो, बस 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 बस